आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे। तो जलीय विलयन में कौन से रंगीन होंगे ये हमको बताना है। तो Ti+3, V+3, Cu+, Sc+3, Mn+2, Fe+3 तथा Co+2 प्रत्येक के लिए कारण बताइए। तो कौन से रंगीन होंगे और क्यों रंगीन है ये कारण भी हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि वे आयन रंगीन होते हैं जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयन हमारे रंगीन होते हैं। Ti+3 यानी Ti+3, Vanadium+3, Mn+2 और ये फेरिक हो जाएगा, कोबाल्ट में +2 है, ये रंगीन है। Cu+ और Sc+3 रंगहीन होते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर इनको 1s 2s 2p 3s 3p 4s करके भरेंगे जितना परमाणु क्रमांक है, जैसे Ti+3 है तो जितना परमाणु क्रमांक है उसमें से 3 घटा देंगे, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें से 3 घटा करके 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते थे उसमें भरेंगे। अगर सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो आयन रंगीन होंगे और अगर पेयर्ड हो जाएंगे तो वो आयन हमारे रंगहीन होंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो हम लोगों ने NCERT में पढ़ी तो उसमें कह रहा है कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें स्टेबिलिटी की क्या स्थिति है हमको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ प्रथम तथा द्वितीय आयनन एंथैल्पियों का योग बढ़ता है। NCERT में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका अगर आधे भाग की बात की जाए, पहले आधे भाग की, तो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर हम योग करें तो बढ़ा हुआ मान आता है बाद में आधे की तुलना में। तो वही कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्ध भाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ प्रथम तथा द्वितीय आयन एंथैल्पियों का योग बढ़ता है, यानी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का योग बढ़ता है। अतः मानक अपचायक विभव E0 कम तथा ऋणात्मक होता है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन वाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम तथा ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव में कम वैल्यू होती है, ये कहने का मतलब। इसलिए M+2 आयन बनने की प्रवृत्ति घटती है क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है और निगेटिव में कम होता है। तो इससे क्या होता है कि M+2 आयन बनने की प्रवृत्ति घटती है क्योंकि +2 का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो निकलने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कम है और ऋणात्मक है, तो इसलिए M+2 आयन बनने की प्रवृत्ति कम होगी। निगेटिव है तो इस तरह याद रखिए कि निगेटिव बनने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, पॉजिटिव की कम, तो इसलिए M+2 आयन बनने की प्रवृत्ति घटती है। अतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रथम अर्ध भाग में अधिक स्थायी होती है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था का अधिक स्थायी तो M+2 से अर्ध पूरित डी उपकोषों D5 के कारण, Zn+2 में पूर्ण पूरित डी उपकोषों D10 के कारण तथा निकिल में उच्च ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी के कारण होता है। तब ये बता रहा है
कि जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें अधिक स्थायित्व तो यम प्लस टू में होता है। अधिक स्थायित्व तो कब होता था, जब आधे या पूरे भरे हुए सबसेल होते थे। तो डी सबसेल आधा भरा हुआ है, D5 है, 10 भर सकते हैं हम लोग, 5 हैं इसलिए आधा भरा हुआ है। Zn प्लस टू में क्या है, पूरा भरा हुआ है, D10 है। और निकिल में जो स्थायित्व का कारण है वो बता रहा है कि उच्च ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी के कारण होता है। तो निकिल में जो स्थायित्व की बात है, अगर उसको पूछा जाए कि क्यों ऐसा होता है, तो इसकी उच्च ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा ऋणात्मक होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले आधे भाग में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पियों का मान योग किया जाए तो ज्यादा आता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में कम होता है। क्योंकि निगेटिव में कम होता है इसलिए एम प्लस टू आयन बनने की प्रवृत्ति घटती है। अब प्लस टू ऑक्सीकरण स्टेट पहले अर्धभाग में अधिक स्थायी होती है और प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व की बात की जाए तो आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए यानी एम एन प्लस टू और जेड एन प्लस टू ज्यादा स्थायी हैं। और निकिल के अगर स्थायित्व की बात की जाए तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा ऋणात्मक है, हाई निगेटिव है, उच्च ऋणात्मक है, इसलिए निकिल स्थायी। तो किसकी क्या स्थायित्व का कारण है वो हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के रसायन की तुलना कीजिए। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करना है सबसे पहले किसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन। तो लैंथेनाइड का सामान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनान 54 4F1-14 5D0-1 6S2 होता है, ये याद रखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का पूछा जाएगा। जबकि एक्टिनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडान 86 5F1-14 6D1-2 और 7S2 होता है, इन सब चीजों को याद कर लीजिए। तो देखिए डी में क्या है कि लैंथेनाइड में डी 0 से 1 है जबकि एक्टिनाइड में 1 से 2 है, बाकी लगभग समान है, यहाँ पर 6 की जगह यहाँ पर 7 है। तो इनको याद कर लीजिए, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, नीट में सीधा यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो यही सब उसके आंसर होंगे। अतः लैंथेनाइड 4F श्रेणी से तथा एक्टिनाइड 5F श्रेणी से संबद्ध है, यहाँ पर देखिए 4F है यहाँ पर 5F, तो ये अंतर है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। अब परमाणवीय एवं आयनिक आकार की बात करें कि इनमें क्या तुलना है, तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज में अगर बात करें तो लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपने परमाणु अथवा आयनों के आकारों में कमी प्रदर्शित करते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड अगर दोनों की बात की जाए तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों में ही चाहे परमाणु हो चाहे आयन आकारों में कमी प्रदर्शित होती है। क्यों, क्योंकि जब प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब नाभिक को खींचने के लिए कम इलेक्ट्रॉन बचे, तो उनको और अच्छे से खींच पाएगा तो इसलिए खींच के उनको और पास ले आएगा, इसलिए ऐसा महसूस होगा कि परमाणु सिकुड़ गया है, इसी को लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि लैंथेनाइडों में यह कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है जबकि एक्टिनाइडों में यह एक्टिनाइड आकुंचन कहलाती है, यानी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यद्यपि एक्टिनाइडों में एक तत्व से दूसरे तत्व तक 5F इलेक्ट्रॉनों द्वारा अत्यंत कम प्रदक्षिण प्रभाव के कारण आकुंचन उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो कह रहा है कि यदि हम एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की तुलना करें तो कह रहा है यद्यपि एक्टिनाइडों में, पहले लैंथेनाइड फिर एक्टिनाइड,
तो एक्टिनाइडों में एक तत्व से दूसरे तत्व तक फायर बैक इलेक्ट्रॉनों द्वारा अत्यंत कम परिक्षण प्रभाव के कारण। कहने का मतलब यह है कि नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से जो आकर्षण वाला बल है उसको कम ढक पाते हैं, कम ढक पाते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आकुंचन उत्तरोत्तर बढ़ता है, यानी क्रम से लगातार बढ़ता जाता है। तो ये चीज देखने को मिलती है। अब अगली तुलना देखें, कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। तो लैंथेनाइड सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्रदर्शित करते हैं, जिनमें प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक सामान्य है। तो लैंथेनाइड सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर जनरली, जिनमें प्लस थ्री सबसे ज्यादा सामान्यता देखने को मिलती है। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका कारण 4F5D तथा 6S कोषों के बीच अधिक ऊर्जा अंतर होना है। तो प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था अधिक सामान्य क्यों है? क्योंकि 4F5D तथा 6S जो सबसेल हैं इनके बीच ऊर्जा का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में उछल के नहीं जा पाते हैं। इस वजह से प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा सामान्य है। दूसरी ओर एक्टिनाइड अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि 5F6D तथा 7S कोषों में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। इसको उस प्रकार से समझिए जैसे लकड़ी पास पास रखी हो तो हम लोग आसानी से जा सकते हैं, लेकिन लकड़ियां दूर हों और उछल के एक से दूसरी में जाना हो ज्यादा कठिन होगा। तो लैंथेनाइड में लकड़ियां दूर रखी हैं यानी जो उपकोष है उनमें ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए उछल के इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता जल्दी से, इसलिए प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः देखने को मिलती है। जबकि एक्टिनाइड में क्या है कि जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत कम होता है 5F6D7S में, इसलिए क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से उछल के जा सकते हैं, इसलिए एक्टिनाइड अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये बात निकल के सामने आ गई। अब अगला बिंदु है क्वेश्चन चौथा, कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, तो लैंथेनाइड सामान्य रूप से श्रेणी के प्रारंभ वाले सदस्य अपने सामान्य व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं। तो अगर हम लैंथेनाइड की बात करें तो सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, परंतु बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ ये एल्युमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता घटती है, जैसे कि एल्युमिनियम। इसको समझना, अब देखिए आगे कह रहा है। तो चूंकि क्रियाशीलता की बात आई थी तो यहाँ पर देखिए अर्ध अभिक्रिया लिख रहा है कि लैंथेनाइड प्लस थ्री स्टेज में सबसे ज्यादा स्थायी प्रतीत होता है। तो तीन इलेक्ट्रॉन लेके लैंथेनाइड सॉलिड बन जाता है, यहाँ पर एक्वस यानी जलीय विलयन है। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान -2.2 वोल्ट से -2.4 वोल्ट के परास में होता है। अब जो ईयू है हमारा, यूरोपियम जिसको बोलते हैं, तो ईयू के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान -2.0 वोल्ट है। निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पर 2.4 है नेगेटिव में, यहाँ पर -2.0.4 का अंतर है। तो वही कह रहा है कि निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है ईयू और लैंथेनाइड में। तो कह रहा हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर ये धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती हैं। तो अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में थोड़ा हल्का सा गर्म कर लें तो ये हाइड्रोजन से संयोग कर लेती हैं, तो हाइड्रोजन के साथ ये जो है LnH3 बनाती हैं। अब आगे क्या है, इन धातुओं के को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड LN3C LN2C3
तथा Al+C2 बनते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड ले लें तो हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं तथा हाइड्रोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाती हैं। अगर हाइड्रोजन के वातावरण में जला दिया जाए तो ये हैलाइड बना लेती हैं। देखिए अम्ल के साथ हाइड्रोजन मुक्त कर दे रही है और हाइड्रोजन के वातावरण में जलाने पर यह हैलाइड बना ले रही है। ये ऑक्साइड M2O3 तथा हाइड्रा ऑक्साइड MOH3 बनाती है। तो यहां पर देखिए रिएक्शन नहीं दिखाया गया है। तो ये ऑक्साइड M2O3 टाइप का बनाती है और हाइड्रा ऑक्साइड MOH का होल थ्राइज टाइप का बनाती है। तो LNOH का होल थ्राइज और हाइड्रोजन निकल रही है ये दिखाया गया है। अब ऑक्सीजन के साथ M2O3 तो LN2O3 इस टाइप का ये ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड निश्चित यौगिक हैं ना कि केवल हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। तो जो हाइड्रा ऑक्साइड बनते हैं जैसे ये हाइड्रा ऑक्साइड बना है तो कह रहा है ये निश्चित यौगिक है ना कि एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, जलयोजित ऑक्साइड है, ऐसा नहीं है। ये निश्चित यौगिक है। ये क्षारीय मृदा धातुओं यानी अल्कली अर्थ मेटल के ऑक्साइड तथा हाइड्राक्साइड की भांति क्षार किए होते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती है उनके ऑक्साइड और हाइड्राक्साइड जिस प्रकार से अल्कली होते हैं, बेसिक होते हैं, उसी प्रकार से ये भी होते हैं। इनकी सामान्य अभिक्रियाएं चित्र 3 में प्रदर्शित है। ऑक्सीजन के साथ देखे M2O3 जो लिखा था तो LN2O3 टाइप का बनाता है। डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन निकालता है, हाइलोजन के साथ हैलाइड बना लेता है, पानी के साथ हाइड्राक्साइड बना लेता है, कार्बन के साथ LnC2 बनाता है। इतने टाइप के बनते थे कार्बन के साथ LnC2, LN2C3 और LN3C टाइप के कार्बाइड बनते हैं। और नाइट्रोजन के साथ LN टाइप का बना देता है नाइट्राइड और सल्फर के साथ Al2S3 टाइप के सल्फाइड बनाता है। इस प्रकार से क्रिया होती है। अब क्या कह रहा है कि जो एक्टिनाइड होते हैं ये भी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब ये सूक्ष्म विभाजित हों, छोटे छोटे बारीक कणों में अगर इनको बांट लिया जाए तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्राक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है और अधिकांश धातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर उबलते हुए जल से इनकी क्रिया कराई जाए तो ऑक्साइड और हाइड्राक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। पानी एच और ओएच होता है तो एच के साथ हाइड्राइड, ओएच के साथ हाइड्राक्साइड का मिश्रण बनाते हैं। तो ऑक्साइड तथा हाइड्राइड का मिश्रण बनाते हैं और अधिकांश धातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। नॉन मेटल से जो इनका रिएक्शन होती है, संयोजन होता है, वो सिंपल टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है। HCl चूंकि स्ट्रांग एसिड है तो सभी धातुओं को प्रभावित करेगा, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती हैं। नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 उससे कम प्रभावित होती हैं, HCl से अधिक प्रभावित होती हैं। इसका कारण यह है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है। तो ध्यान दीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ज़्यादा प्रभावित होती हैं धातुएं और नाइट्रिक अम्ल से कम प्रभावित होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है यानी सुरक्षात्मक कवरिंग बन जाती है। क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बेस होते हैं उनका इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल एसिड है और एसिड में भी स्ट्रांग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है आप निम्नलिखित को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे।
डी फोर स्पीसीज में से क्रोमियम आयन प्लस टू प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज प्लस थ्री प्रबल आक्सीकारक है। तो एक एक को देखते चलते हैं। तो देखिए, सी आर प्लस टू प्रबल आक्सीकारक है, जाहिर सी बात है कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे को धनात्मक करेगा, खुद को ऋणात्मक करेगा। इसका मतलब दूसरे को धनात्मक कैसे करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन खुद लेके खुद ऋणात्मक होगा, दूसरे को धनात्मक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही थी, इसका मतलब है कि वहां पर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करवाएगा, यानी वहां पर आधे भरे हुए या पूर्ण भरे हुए कक्षक नहीं है, इसीलिए अस्थायी है, इसलिए निकाल करके खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सी आर प्लस थ्री प्रबल आक्सीकारक है, क्योंकि इसमें थ्री डी फोर से थ्री डी थ्री का परिवर्तन नहीं था। जाहिर सी बात है थ्री डी फोर है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसको ये अर्ध भरित हो जाए, अर्ध भरित ज्यादा स्थायी है, इसलिए दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो उसकी आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, और आक्सीकरण संख्या का बढ़ना ही आक्सीकरण है, इसीलिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें 3d4 से 3d3 का परिवर्तन नहीं था। 3d3 विन्यास t3 2g अधिक स्थायी है Mn प्लस 3 के। अब देखिए सबसे मतलब नहीं है, जो हमने समझाया आपको वो पता चलेगा। अब देखिए क्या है, Mn प्लस 3 के आक्सीकरण गुणों आक्सीकारक गुणों में 3d4 से 3d5 का परिवर्तन होता है। अब जाहिर सी बात है कि Mn प्लस 3 है तो 3d4 कम स्थायी है, 3d5 ज्यादा स्थायी है। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले करके 3d4 से 3d5 का परिवर्तन करता है, तथा 3d5 अधिक स्थायी है क्योंकि आधा भरा हुआ है। यही कारण है कि Mn प्लस 3 प्रबल आक्सीकारक है। तो देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है कि Cr प्लस 2 प्रबल अपचायक है, ये प्रबल अपचायक है यानी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, खुद आक्सीकृत होगा तभी तो दूसरे को अपचयित करेगा। तो खुद आक्सीकृत का मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना पॉजिटिव वाला पावर बढ़ाए। तो देखिए 3d4 से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d3 का परिवर्तन करता है, क्योंकि 3d3 विन्यास जो होता है वो t3 2g यानी 2g यानी अधिक स्थायी है, ये कहने का मतलब। तो हर चीज अधिक स्थायी होना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल के स्थायी हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले निकाल के स्थायी हो रहा है, तो खुद निकालेगा यानी दूसरे को देगा, तो दूसरे की आक्सीकरण संख्या घटेगी, इसीलिए प्रबल अपचायक होगा। देखिए यहाँ पर गलत लिख गया है, उसको थोड़ा सुधार लीजिए, रिड्यूसिंग यानी अपचायक, यहां निकालेगा ना कि लेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा लेगा नहीं, इस बात को ध्यान देना, थोड़ा सा यहां उल्टा हो रहा था, गलत लिख गया था। तो निकाल करके जब सी आर प्लस थ्री बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये 4 की जगह 3 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 4 की जगह 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा 3d3 बनने के लिए, क्योंकि 3d3 ज्यादा स्थायी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कोई लेगा, जो लेगा उसकी आक्सीकरण संख्या घटेगी, और घटना ही अपचयन या रिडक्शन है, तो प्रबल अपचायक हो गया, आक्सीकारक गलत लिखा। अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ा मिस्टेक थी, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है, जलीय विलयन में कोबाल्ट प्लस टू स्थायी है, परंतु संकुलनकारी अभिकर्मों के उपकों की उपस्थिति में यह सरलता पूर्वक आक्सीकृत हो जाता है। संकुलनकारी मतलब कॉम्प्लेक्स जो बना लेते हैं, इकट्ठा होके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको संकुलनकारी कहते हैं।
तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जटिलीकरण यानी कम्प्लेक्सिंग अभिकर्मकों की उपस्थिति में क्रिस्टल फील्ड स्थिरीकरण ऊर्जा CFSE इसको बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कोबाल्ट की तृतीय आयन एंथैल्पी से अधिक होती है। तो जो कॉम्प्लेक्सिंग कंपाउंड है उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्थिरीकरण ऊर्जा कोबाल्ट की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होती है। तो जैसे बात है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी तो इस प्रकार कोबाल्ट प्लस टू सरलता से कोबाल्ट प्लस थ्री में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्थिरीकरण ऊर्जा कोबाल्ट की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होती है, इस वजह से कोबाल्ट प्लस टू से प्लस थ्री में ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे बात ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ही ऑक्सीकरण होता है। तो कॉम्प्लेक्सिंग कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्थिरीकरण ऊर्जा कोबाल्ट की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होती है। अब अगला पॉइंट आ जाता है, कह रहा है कि आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। तो जैसी बात हम लोगों ने पढ़ा है कि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए उपकोष ज्यादा स्थायी होते हैं, तो वे आयन जिनमें D1 विन्यास होता है वे D उपकक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वे आयन जिनमें D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है D सबसेल में या D ऑर्बिटल में, तो वे D सबसेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा D0 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यह सरलता से संपन्न हो सकता है क्योंकि जलयोजन या जालक ऊर्जा का मान D उपकक्ष से इलेक्ट्रॉनों के पृथक्कीकरण में निहित आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। तो जो आयनन एंथैल्पी है उससे जलयोजन हाइड्रेशन या जालक ऊर्जा यानी जो बंधे हुए खिंचाव वाले जाल को तोड़ने के लिए जरूरत है वो ज्यादा होती है आयनन एंथैल्पी से, इसलिए जाल टूट जाता है और टूट करके इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है जिससे 0 बचता है। तो वही कह रहा है कि वे आयन जिनमें D1 विन्यास होता है वे D उपकक्षक यानी सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा अधिक स्थायी D0 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यह सरलता से संपन्न हो जाता है। क्यों सरलता से संपन्न हो जाता है? क्योंकि हाइड्रेशन या लैटिस एनर्जी यानी जलयोजन या जालक ऊर्जा का मान D उपकक्षक से इलेक्ट्रॉन के पृथक्कीकरण में निहित आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी ये बात अलग तरीके से लिखा है, इसको लिखना चाहिए कि जलयोजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी का मान डी उपकोष से इलेक्ट्रॉन के पृथक्कीकरण में निहित आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। ये न कह के ये कहना चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी डी सबसेल से इलेक्ट्रॉन के पृथक्कीकरण के यही मतलब पृथक्कीकरण करा देते हैं, आयनन एंथैल्पी की जरूरत पड़ती ही नहीं, कुल मिला के मान अधिक है तभी करा पाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब क्वेश्चन आ जाता है 22। तो देखिए 22 में कह रहा है कि असमानुपातन से आप क्या समझते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ का एक समय में ऑक्सीकरण व अपचयन समानुपातीकरण कहलाता है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया उसी में एक ही पदार्थ का समान समय में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं और उस अभिक्रिया का समानुपाती रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती भी है तथा घटती भी है। जैसे क्लोरीन को देखिए Cl2 की यहाँ पर 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है,
घट भी रही है जीरो से कम माइनस वन, और बढ़ भी रही है जीरो से ज्यादा प्लस फाइव। तो यहाँ पर आक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। इसी प्रकार इसमें देखिए, इस रिएक्शन में Mn यहाँ पर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर प्लस सेवन है, यहाँ पर प्लस फोर है। ऑक्सीजन की माइनस फोर, क्योंकि एक ऑक्सीजन की माइनस टू तो दो की माइनस फोर, तो इसको प्लस फोर होना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की माइनस टू तो चार की माइनस एट, एक निगेटिव है इसको घटाएंगे तो माइनस सेवन, ये माइनस सेवन है तो इसको प्लस सेवन होना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक ही एलिमेंट है, उसकी बढ़ भी रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और घट भी रही है, इसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु बहुआ बहुधा तथा क्यों प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसमें एक ऐसी मतलब मेटल है जो जनरली प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। तो कॉपर जो है इसका 3d10 4s1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 3d10 बचेगा, और 3d10 d सबसेल पूरा भरा हुआ होता है, क्योंकि d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब पूरा भरा हुआ या आधा भरा हुआ सबसेल ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस वन हो जाएगा कॉपर का। तो वही कह रहा है कि प्राय प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तथा Cu प्लस आयन 3d10 बनाता है, जिसकी अधिक स्थायी विन्यास होता है। तो चूंकि 3d10 में पूरे भरे हुए कक्षक हैं, इसलिए ज्यादा स्थायी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित गैसीय आयनों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमको जो इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s, ऐसे करके जो क्रम है उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे और भर के देखेंगे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और जिस लास्ट से एक पहले वाली कक्षा सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उनमें समझेंगे। तो जैसे Mn+3 है, इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी है ये भी बताना है। तो Mn+3 है, तो इसका जब बनाएंगे तो 3d सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जाहिर सी बात है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं कक्षक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन समय भरेगा तो चारों अयुग्मित यानी अनपेयर्ड रहेंगे। इसी प्रकार Cr+3 में 3d3 होगा, पीछे भरा गया है करके हम देखें, आप भर के इसकी प्रैक्टिस करिए। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 आएगी, क्योंकि 5 रह सकते हैं सिंगल सिंगल, तो 3 में एक एक सिंगल रहेगा, इसमें भी एक एक सिंगल रहेगा। V+3 में 3d2 होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा है, 2 होना चाहिए। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, टू ही होंगे, 3d2 है, देखें यहाँ पर वैनेडियम में 3d2 है, और यहाँ पर Ti टाइटेनियम में Ti3 है तो 3d1 आएगा। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 रहेगी, क्योंकि d में 5 हो सकते हैं, तो एक कक्षा में एक रहेगा, एक कक्षक में। इनमें से Cr+3 जलीय विलयन में अति स्थायी है, क्योंकि इसमें अर्धपूरित T2g स्तर होता है। Cr+3 इसमें देखे 3d3 हमने देखा था और ऊपर भी, तो इसमें T2g अर्धपूरित है, हाफ फिल्ड T2g स्टेज पाई जाती है, इसलिए ज्यादा स्थायी होगा। इसको इंग्लिश वाले में भी देख लेते हैं, तो देखे Cr+3 इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ओविंग टू ए T3 2g कॉन्फिगुरेशन। T3 2g कॉन्फिगुरेशन है जो कि मोस्ट स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी होगा। T3 यहाँ होना चाहिए ऊपर, 2g पीछे था, आप देखे होंगे। T3 2g अर्धपूरित इस तरह होता है। इसमें से क्रोमियम +3 जलीय विलयन में अति स्थायी है, क्योंकि इसमें
अर्ध पूरित टी थ्री टू जी स्तर होता है, इस बात को ध्यान देना। ये देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में टी थ्री डी थ्री यानी विन्यास यानी टी थ्री टू जी अधिक स्थायी होता है, तो इसको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।